चालू रहेगी तो, जैसे डिस्प्ले खड़ा हो जा रहा है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ जा रहा है, टच काम नहीं कर रहा है अटेंडम में, तो अगर टच ना काम करे तो अगर स्विच आप कैसे कर सकते हैं, इसको दबाएंगे आप करने वाला आएगा तो उसको। देखिए दोस्तों, इसमें तो दो तीन कमी रहेगी। जैसे आपका टच कभी कभी मोबाइल में, कभी किसी मोबाइल में जिसे चलाते हैं तो टच खड़ा हो जाता है, काम नहीं करता है, तो स्विच ऑफ वाली दबाते हैं तो ऑप्शन आता है लेकिन बंद भी नहीं कर सकते, ये अटेंडम में हो जाता है। कभी कभी हैंग हो जाती है मोबाइल, जैसे हम चलाते हैं तो हैंग हो जाती है, खुलती नहीं है। ऐसे ही प्रॉब्लम रहे तो आप कैसे ही ठीक करोगे इसको बताएंगे। देखिए वीडियो पूरा देख लेना, किसी भी मॉडल का रहेगा, किसी भी कंपनी का रहेगा, सबके लिए बता रहे हैं, कोई भी कंपनी हो। देखिए अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम रहे कि जैसे या डिस्प्ले की लाइट ना आए, जैसे अब इसमें लगा रहे हैं चार्जिंग, तो जैसे चार्ज करते हैं चार्जिंग हो रही है, टिन बोल रही है, लेकिन आवाज़ मतलब इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और सेट गिरा नहीं है, ना पड़ा है, ना पानी में गया है, ऐसे भी हो, या डिस्प्ले टच आपका खड़ा हो जा रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है, जैसे एक को भी नहीं काम कर रहा है, डिस्प्ले पूरा आ रहा है, जैसे मान के चलिए कोई मोबाइल हो इसमें टच नहीं काम कर रहा है, तब एक क्या प्रॉब्लम कैसे आ जाती है। कभी कभी हम अपनी मोबाइल में ज़्यादा लोड दे देते हैं तो हमारी मोबाइल हैंग हो जाती है और उसका पीसी गर्म हो जाता है, तो एक किसी भी सप्लाई को रोक देता है, कोई भी सप्लाई हो, आपका टच काम नहीं करेगा, नहीं तो आपका आवाज़ नहीं आएगा, नहीं तो आपका डिस्प्ले लाइट नहीं आएगी, कुछ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस आईसी के जरिए से हो जाता है। जब हम अपना पीसी वाला आईसी एकदम गर्म हो जाती है तो कोई नहीं कोई सप्लाई रोक देती है, मतलब कोई भी सप्लाई हो तो आपके मोबाइल में अटेंडम में वो प्रॉब्लम आ जाती है। यही मोबाइल कस्टमर ने दिखाया था किसी दुकान पर, दुकानदार कह रहा था कि इसका 1500 रुपये का डिस्प्ले लगेगा तब जाके सही होगा। देखिए इसको चालू कर रहे हैं, चालू नहीं हो रहा, वैल्यू मतलब तेज करने वाला, चालू करने वाला बटन कितनों भी तेज दबा लें चालू नहीं हो रहा है। देखिए कितनों भी दबाए हुए हैं चालू नहीं हो रहा है, एसेट चालू है, इसीलिए चालू है एसेट, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो, चार्ज में लगा रहे हैं तो चार्जिंग बोल रही है, टन बोल रही है, वाइब्रेट कर रहा है निकालने पर और लगाने पर, और इसको चालू करने पर एक हो गया थे मतलब वाइब्रेट कर रहा है, और सिम लगा है, फ़ोन करते हैं पूरी आवाज़ आती है, लेकिन इसमें उठता नहीं है और ना कुछ दिखाई दे। देखिए एक कस्टमर का नंबर है, हमको पता नहीं, नहीं तो फ़ोन करके दिखा देते। देखिए अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, समझ लीजिए कोई भी मॉडल को हो, एक बार बता देना, कोई भी कंपनी का हो, ये तीनों बटन देख लीजिए, आवाज़ तेज करने वाली, आवाज़ धीम करने वाली, और चालू करने वाली, ये तीनों बटन आपको 20 से 15 सेकंड तक दबानी है, दबा के रखनी है, 15 से 20 सेकंड तक दबा के रखनी है, तीनों एक साथ ही दबाना है, ऐसा नहीं है पहले इसको दबा ले तब इसको दबा ले तब इसको दबा ले, तीनों एक साथ ही दबाना है। देखिए दबाते हैं तो इसको देखिए चालू होगा कि नहीं होगा, देखिए तीनों 15 सेकंड से 20 सेकंड तक दबा के रखना है, देखिए ये सेट चालू हो गया है, ये तीनों बटन दबाने से हमारा सिस्टम बंद होके चालू हो जाएगा, कोई भी मोबाइल का है 15 से 20 सेकंड तक दबाओगे तो ये मोबाइल बंद होके चालू हो जाएगी, चालू रहेगी तो, जैसे डिस्प्ले खड़ा हो जा रहा है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ जा रहा है, टच काम नहीं कर रहा है अटेंडम में, तो अगर टच ना काम करे तो अगर स्विच आप कैसे कर सकते हैं, इसको दबाएंगे आप करने वाला आएगा तो उसको टच करेंगे तभी बंद होगा, ये टच काम नहीं कर रहा है, इसीलिए देख लीजिए ये डिस्प्ले भी सही है और टच भी सही है, देख लीजिए एकदम पूरा खुल रहा है। देखिए यही दुकानदार 1500 रुपये डिस्प्ले के मांगा था, कस्टमर बता रहा था। देखिए अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो उसको सही कर लीजिएगा, देखिए एकदम सही हो गया है, इसको तीनों बटन को 15 से 20 सेकंड तक दबा के रखनी है। देखिए आपको हम वैसे ही दिखा दे रहे हैं जैसे वीडियो में चालू है, जैसे मान के चलिए कि टच काम नहीं कर रहा है, मान के चलिए और सेट चालू है, देखिए और इसको हम तीनों बटन एक साथ ही दबाते हैं, देखिए अपने आप बंद होके चालू होगा और इसमें हमको कुछ करना नहीं है, देखिए इसको ऐसे दबा लेते हैं, देखिए दबा के रखना है हमको 15 से 20 सेकंड तक,
देखिए देखिए सेट बंद हो गया और इसको चालू भी होगा। देखिए सेट बंद होके चालू भी हो गया है। ऐसे तीनों बटन दबा के रखोगे तो सेट बंद होके चालू हो जाएगा। ये मोबाइल हमारी हैंग हो जाती है तब ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी मोबाइल हो, किसी भी कंपनी को हो, तीनों बटन एक साथ ही दबा के रखना है 15 से 20 सेकंड तक, हमारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ऐसे ही सही की जाती है। दुकानदार को, काफ़ी दुकानदार को पता नहीं रहती है, उल्टा सीधा बता के पैसा ले लेंगे। इसको बता रहे थे डिस्प्ले बेकार है, डिस्प्ले उस्प्ले कुछ नहीं बेकार है, देख लीजिए। ये हमारे पास सुबह सुबह आया, मैंने बताया कि इसका हम भैया 100 रुपये लेंगे और सही कर देंगे, हमको कुछ करना नहीं है। वो मतलब वैल्यूम लगा, वो चार्जिंग लगाए पे वो बज रही थी, मतलब वाइब्रेट कर रही थी, इसीलिए बताए थे कि इसका डिस्प्ले। उससे पूछे क्या हुआ तो बोला चार्जिंग पे लगा के रख दिए थे, अटेंडम में ये मतलब ना दिखाई दे रही ना कुछ हो रहा, फ़ोन आ रहा है चल रहा है और गिरी पड़ी नहीं है ना पानी में गिरी है। ये जो पहले से टूटा है पहले से ही टूटा, ये जो टूटा है पहले से ही टूटा था, इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा पूरा टच चल रहा था, इसीलिए मैंने बोला कि हम 100 रुपये लेंगे इसको सही कर देंगे। देखिए आप सबके ही सामने सही हो गई है। आप अगर अपने मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो सही कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में ऐसे छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं।